वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ कुवैत का रूल्स और नियम बताऊंगा गाड़ी चलाने का, कि कैसे यहाँ पे चलाया जाता है, क्या रूल्स है, क्या फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप अगर ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सा रूल फॉलो करना रहता है। अगर एक भी रूल आपने गलती से मिस कर दिया, एक भी रूल अगर गलती से मिस किया तो खलास आप गए, फेल हो गए। तो इसलिए छोटी छोटी गलती को भी आपको वहाँ पे माफ़ नहीं किया जाएगा, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एकदम छोटी से लेके बड़ी तक जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा। ये पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है। ये गाड़ी मैं चलाता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ इसको कैसे उसको चलाया जाता है, क्या क्या इसमें सिस्टम रहता है, और रोड पर जो चलते हैं तो किस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। ओके, मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जो है आप गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी में बैठने के बाद आप जो है अपना सीट बेल्ट लगा लेना। सीट बेल्ट लगाने के बाद जो है आप गाड़ी स्टार्ट करो, सीट बेल्ट लगाओ, उसके बाद जो है आप गियर लगाओ। बैक करना है तो बैक गियर, और ये मेरा ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है। और ये देखो, ये वोल्वो का नया सिस्टम है। अगर आप वोल्वो गाड़ी चलाते हो तो ये ज़रूर देख लेना कि इसका जो है स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप यहाँ से होता है, इंजन स्टार्ट। राइट साइड में घुमाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी, राइट साइड में घुमाएंगे तो गाड़ी बंद भी हो जाएगी। ये चीज़ अगर नए ड्राइवर आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, नहीं तो बाद में उन लोगों को परेशानी हो सकती है। ओके, तो चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ रोड पे, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ का रूल्स फॉलो करना रहता है। ओके, ये देखो मेरे गाड़ी में ये पूरा कैमरा है, इधर भी दिखा रहा है डिस्प्ले में। तो चलते हैं, तो हम आगे रोड पे। अब जैसे यहाँ पे निकलना है, ये मेन रोड पे आपको निकलना है, तो सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी आपको स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद आपको देखना है दोनों साइड पे गाड़ी तो नहीं ना। देखो यहाँ पे गाड़ी आ रही है तो मैं रुकाऊँ, इधर भी गाड़ी आ रही है तो मैं रुकाऊँ। अभी गाड़ी चली जाएगी, उसके बाद यहाँ से जाना है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि सीधा गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सीधा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहले यहाँ कुवैत इंडिया नहीं है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सीधा आदमी गाड़ी लेके निकल जाता है, मुश्किल नहीं रहता है इतना, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है भाई साहब, ठीक है ना। तो आपको ऐसे अपनी साइड पे ही चलना है, ठीक है, अपनी साइड पे चलना रहता है, अपनी साइड पे चलो। और बहुत छोटी छोटी गलती, जैसे आप ड्राइविंग टेस्ट करने जाएंगे अभी तो वहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी गलती के लिए भी फेल करते, एक गलती अगर हो गई तो समझ लो फेल। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना सीट बेल्ट लगाए तो ड्राइविंग टेस्ट कभी मत दीजिएगा। और दूसरी बात यह कि अगर ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो कभी भी घबराइएगा मत, ठीक है। और घबरा गए तो फिर समझ लो कि आप उल्टी सीधी हरकत कर देंगे और उस वजह से आपको फेल कर देगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जाके गाड़ी में बैठो जब आपका नंबर आता है तो, और गाड़ी में बैठने के बाद सीधा अपना गाड़ी स्टार्ट करो, सीट बेल्ट लगाओ, मिरर सेट करो, उसके बाद जो है आप देखो आपको गाड़ी बैक करके निकालना है या सीधा ही निकालना है, तो उस हिसाब से आपको अपना गियर चेंज करो। और फिर उसके बाद दोनों साइड आगे पीछे दोनों साइड देखने के बाद फिर अपनी गाड़ी जो है आगे या पीछे बढ़ाना। अगर ये सब, ये देखो छोटी छोटी चीज़ है, मिरर सेट करना, मिरर में देखना, पीछे देखना, साइड और दोनों साइड देखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप वहाँ पर नहीं करोगे तो आपको फेल कर देगा भाई साहब, ठीक है। ऐसे जैसे आप नॉर्मल ऐसे गाड़ी चलाते हो, जैसे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल अगर गाड़ी चलाएंगे तो मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा मोड़ा कर सकते हो, लेकिन लाइसेंस बनाने के टाइम पे ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, अब आगे मेन रोड है, अब आगे मेन रोड है, तो यहाँ पे क्या है, लोग गलती क्या करते हैं कि सीधा घुस जाते हैं, तो भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोर्ड किस लिए लगा है, यहाँ पे लगा है इसीलिए कि यहाँ पे आप थोड़ा रुको, गिव वे दो, उसके बाद फिर यहाँ से देखो, अब गाड़ी नहीं है, मैं इधर निकल गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से मेरे को अभी इधर साइड में जाने का, तो मैं पीछे देखूंगा गाड़ी है कि नहीं है, अभी गाड़ी नहीं है, मैं इधर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, सामने सिग्नल है वहाँ पे हम रुकेंगे, फिर थोड़ी सी और बात करते हैं, बताते हैं आपको। अभी तो सिग्नल चालू है लेकिन मेरे को लगता है कि जाते जाते बंद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलती है, अगर इस छोटी छोटी गलतियों को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आप पक्का फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सबको बहुत ध्यान में रखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर घबरा गए तो फिर आपका हो जाएगा काम। ओके,
तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ध्यान से आपको जो है जाना है, गाड़ी में बैठना है हर चीज़। और एक बात और कि इंडिकेटर देना कभी मत भूलने का, सिग्नल देना, जैसे आपको राइट मुड़ना है तो राइट सिग्नल देना मत भूलिएगा, लेफ्ट देना है तो लेफ्ट सिग्नल देना मत भूलिएगा। आप कहीं इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करवा रहा है, जैसे मतलब रोड पे आपको करवा रहा है, तो आप अगर खड़ी कर रहे हो तो उसमें जो चारों इंडिकेटर चालू करना मत भूलना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। सिग्नल खुल चुका है, हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और जैसे एक बात ये है, मैं अभी ये सोचा है, कफील का अभी फ़ोन आ गया था तो वही जा रहा था हॉस्पिटल में, उसकी लड़की की तबीयत ख़राब हो गई है तो हॉस्पिटल गया है, तो उसको ड्यूटी जाना है वहीं से, तो इसलिए मुझे उधर बुलाया है। खदामा भी साथ में है, तो क्या होगा वो वहाँ से ड्यूटी चला जाएगा, वहाँ से मैं बच्ची को और जो है खदामा को घर लेके आ जाऊँगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक दे दूँ कि कैसे कुवैत में गाड़ी चलाया जाता है, क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे ये तीन लाइन है, नए ड्राइवर के लिए बेसिकली ये है, यहाँ पे जो पुराने ड्राइवर हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, उनको ऑलरेडी तो सब चीज़ पता होगा, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो नए ड्राइवर आ रहे हैं इंडिया से, जो मेरे भाई आना चाहते हैं कुवैत ड्राइविंग में, या जो आ चुके हैं अभी आके 10 दिन 15 दिन हुआ है और अभी जो है उनको गाड़ी चलाने को नहीं मिला है और ना ही अभी उनका ड्राइविंग टेस्ट हुआ है, उनके लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखो तीन लाइन यहाँ पे रहती है, फर्स्ट जो इधर राइट साइड में जो फर्स्ट लाइन रहती है उस पर गाड़ी स्पीड में चलती है, बीच वाले में मीडियम में, और इधर लास्ट वाले में आप स्लो भी चलेंगे तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यही सब है, कुवैत का नज़ारा देखते रहो और वीडियो भी देखते रहो, ठीक है। तो यही सब चीज़ है मेरे भाई लोग, बहुत ध्यान से। और रही बात, और यहाँ पे देखो इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है भाई साहब कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये कुवैत है, ठीक है। चाहे कुवैत हो चाहे सऊदी अरबिया हो, मैं 7 साल सऊदी अरबिया में भी काम किया हूँ, चाहे कुवैत हो चाहे सऊदी अरबिया हो, यहाँ पे गाड़ी चलाना भाई साहब, ख़ास करके हम अजनबियों को, हम अगर अजनबी हैं, ड्राइवर इंडियन है, चाहे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी चाहे किसी भी कंट्री के आके अगर हम यहाँ पे काम करने आए हैं, तो हमें बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना रहता है। क्योंकि भाई साहब अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो फिर समझ लो कि अगर कफील ठीक ठाक है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कफील नहीं ठीक ठाक है तो फिर समझ लो कि गाड़ी अगर लड़ गई है तो फिर आपका जो है कम से कम 2-3 महीने की सैलरी तो गई, जो आपको खुदा न खास्ते आपको अगर नुकसान हुआ वो तो अलग बात, लेकिन 2-3 महीने की सैलरी आपकी गई। तो इसके लिए भाई साहब बहुत आराम से बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना। अब जैसे ये देखो ये राउंड अबाउट है, जिसको हम लोग चौराहा, गोल चौराहा बोलते हैं राउंड अबाउट, तो यहाँ पे देखो गाड़ी आ रही है, यहाँ पे देखो हम, मेरी भी गाड़ी रुकी, ये भी गाड़ी रुकी, अब ये गया, तो यहाँ पे जब तक ये गाड़ी यहाँ से आना बंद ना हो जाए तब तक अपनी गाड़ी यहाँ पे घुसाना नहीं। कुछ लोग करते हैं क्या, डायरेक्ट लेके घुस जाते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे लेके घुस जाते हैं। अब देखो ये गाड़ी घुसा दिया था तो मैं रुक गया, तो इसके लिए गाड़ी घुसाना नहीं है, आपको आराम से चलना है, ठीक है। अब देखो वो वाला, वो जो गाड़ी था वो गलत किया था, लेकिन क्या है वो कुवैती है, ठीक है, ये कुवैती लोग कुछ भी करेंगे मुश्किल नहीं, तुम उनको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन तुम अगर गलती कर दिए तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं वही हॉस्पिटल में, ठीक है। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल पे, अब यहाँ पे अभी मैंने कफील को फ़ोन किया तो कफील बोला है कि 10 मिनट वेट करो, अभी लगता है कि डॉक्टर शायद नहीं देखा होगा, जो भी है क्या मालूम अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो यही सब चीज़ आप लोगों को बतानी थी, ठीक है, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, कभी भी अगर ड्राइविंग टेस्ट देने जाना तो घबराना नहीं, आराम से सोच के समझ के अपना जो है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओ, क्योंकि आप ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे हो यार, क्या मुश्किल है, आप जाओ और हर चीज़ को फॉलो करो, जो भी रूल है उसको फॉलो करो, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लाइसेंस निकलना, लेकिन बस ये कि आदमी घबरा जाता है जाने से पहले, बहुत सोचता है क्या होगा कैसे क्या होगा,
गाड़ी कैसे पार्किंग करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो दो गाड़ी के बीच में जो पार्किंग करना रहता है उसको कैसे करेंगे, सब आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कंप्यूटर टेस्ट कैसे देंगे वो भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ अपने, उसमें अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो, और एक से दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सारे सवाल याद भी आ जाएंगे, आप आराम से पास हो सकते हो कंप्यूटर टेस्ट में। तो ये सब था। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।